हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम लोग आ गए हैं ओबेरॉय मॉल। तनु को कुछ शॉपिंग करनी थी, अपने लिए भी करनी थी और उसके फ्रेंड के लिए भी, उसको बर्थडे गिफ्ट लेना था। तो थोड़े बहुत उसने कॉस्मेटिक सामान लिए, कैंडल लिया, इस तरीके से उसने 3-4 गिफ्ट्स लिए हैं अपनी फ्रेंड के लिए। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी आसपास के जो भी मॉल थे वहाँ जाकर उसके लिए ब्लैक ड्रेस देखी, लेकिन उसको कहीं भी समझ में नहीं आ रही थी, कहीं भी कुछ भी उसको पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए ना यहाँ पर उसका मूड भी थोड़ा सा ऑफ हो गया था कि मुझे ड्रेस नहीं मिल रही है और परसों मुझे कॉलेज में जाना है, पहन के पार्टी है। फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, पास में ही है लोखंडवाला मार्केट, वहाँ जाके भी देख लेते हैं। तो यहाँ आने के बाद भी हम लोगों ने 3-4 शॉप पर देखा, फिर फाइनली उसको एक शॉप पर कोर सेट मिल गया था जो उसको काफ़ी अच्छा लगा, ब्लैक कलर में ही था। और फिर सारा काम होने के बाद हम लोगों ने हमारी फेवरेट पानी पूरी खाई, उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे। और हम लोग भी आ गए हैं घर और टाइम भी 8:30 बज चुके हैं, काफी लेट भी हो गए हम लोग। 3-4 घंटे से बस हम लोग घूम ही रहे थे। पहले हम लोग ओबेरॉय मॉल गए, वहां पर हमें ब्लैक ड्रेस जैसी चाहिए थी वैसी नहीं मिली। फिर 2-3 मॉल और थे आसपास, वो हम लोगों ने देखे, वहां पर हम लोग गए। उसके बाद भी हमारा काम नहीं बना, फिर हम लोग सीधा लोखंडवाला मार्केट चले गए थे। वहां से फिर इसको एक कोट सेट लिया है इसने ब्लैक कलर में, तो वो ये अपनी कॉलेज की पार्टी में पहन के जाएगी। जो भी मैंने शॉपिंग करी है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग रेडी होंगे और फिर रिशु के पापा का आज बर्थडे भी है तो केक कट करेंगे। तो बस अभी रिशु का वेट कर रहे हैं, वो जिम गया हुआ है, तो वो और उसके फ्रेंड सभी आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग केक कट करेंगे। तो चलिए फटाफट से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाला ब्लैक कलर में इसने कोट सेट लिया है, पूरा सेट में है। और एक ये वाला कोट सेट मैंने अपने लिए लिया है ग्रीन कलर में, तनु को काफी अच्छा लगा था ये वाला कलर तो उसने बोला कि आप यही ले लो। और एक ही पर्स लिया है मैंने, तनु ने लिए हैं अपनी फ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट, जिसमें से एक मिरर है और एक कैंडल ली है उसने, और एक ब्लश लिया है और 2 अलग अलग शेड में आईलाइनर लिए हैं। तनु की जो फ्रेंड है उसका 18 बर्थडे आने वाला है, तो ये जितने भी फ्रेंड्स हैं ये सब मिलके उसको 18 गिफ्ट देने वाले हैं, जिसमें से 4 पिन या 4 तनु लेके आई है, बाकी के लोग सब अलग अलग गिफ्ट लेके आ रहे हैं। तो जो उन लोगों ने खरीद लिया है वो तनु ने नहीं लिया है, और जो तनु ले रही है वो सब नहीं ले रहे हैं, मतलब सब अलग अलग गिफ्ट लेके जा रहे हैं। आज है रिशु के पापा का बर्थडे। फोटो लेने थे ऋषभ, बस रे इस बार मुझे अलग करना पड़ेगा, सेम ऋषभ वाला नहीं चाहिए। केक कट करने के बाद फिर हम लोगों ने बच्चों की पसंद का खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, काफी देर तक बैठे रहे, यानी कि 2-2.5 बजे तक हम लोगों ने बातें ही करी। सबको बहुत अच्छा लगता है रिशु के पापा के साथ। और रात को ये देखिए बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी, दिन में तो अच्छी खासी धूप आ गई थी लेकिन रात को फिर से बहुत तेज बारिश हुई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी हो गया है अगला दिन और आज है हरियाली अमावस, तो आप सभी को हरियाली अमावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरियाली अमावस के दिन ना हमारे इधर मालपुए बनाते हैं, गुड़ के चीले बनाते हैं, तो मैं आज गुड़ के चीले बनाने वाली हूँ। मालपुए तो बहुत ज्यादा हेवी हो जाते हैं, उनको पहले घी में फ्राई करो फिर चाशनी में डिप करो, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा और कोई खाने वाला है भी नहीं, सारे मालपुए फिर मुझे ही खाने होंगे, तो इसीलिए मैं सिंपल से गुड़ के बना रही हूँ ताकि गुड़ के इतने हेवी भी नहीं होंगे और सभी लोग खा भी लेंगे। और यहाँ पर मैंने दोनों तरह के बैटर रेडी करके रख दिए हैं, एक है गुड़ और आटे का और एक है बेसन का, जैसे बेसन का चीला बनाते हैं ना सेम वैसे ही बनाया है। अब फटाफट से चीले बना लेते हैं। और हरियाली अमावस के दिन हमारे यहाँ पर गुड़ के चीले ज़रूर बनते हैं और हर घर में बनाते हैं। जैसे हरियाली तीज पर घेवर ज़्यादा बनते हैं या घेवर बाहर से लेके आते हैं, वैसे ही हरियाली अमावस पर गुड़ के चीले हर घर में बनते हैं या फिर मार्केट से मालपुए भी लेके आते हैं।
और बारिश में ना ये गुड़ के चीले कड़ी के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और मैंने कड़ी भी बनाई है। खट्टा मीठा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बस इसी तरीके से सारे मैंने यहाँ पर गुड़ के जो चीले हैं वो बना लिए हैं। उसके बाद एक दो मैंने बेसन के भी बनाए हैं और चीले भी बना दिए हैं। बस अभी फटाफट से थाली रेडी कर लेते हैं। The next day. और मैंने मंगवाई थी एक किचन ट्रॉली, उसमें अभी व्हील्स लगा रहे हैं भैया। और ये वाली किचन ट्रॉली मैंने अमेजोन से मंगवाई है, तो इसके साथ ना वो व्हील्स आए हैं नीचे लगाने के लिए, तो वो मेरे से लग ही नहीं रहे थे। काफी कोशिश कर रही थी मैं, वो नहीं सेट हो पाए, तो फिर मैंने नीचे से हाउसकीपिंग वाले भैया को बुलाया, वो आके फिर लगा के गए हैं। कुछ ये वेजिटेबल रखने के लिए मैंने बॉक्स मंगवाया था, और एक ये मैंने कपड़े रखने के लिए कुछ बॉक्स मंगवाए हैं, तो इन सबको मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ। और एक मैंने टीवी भी ऑर्डर करी है, तो वो भी आने वाली है। और एक ये मैंने बॉक्स मंगवाया था, इसके अंदर आप वेजिटेबल या कोई भी फ्रूट्स वगैरह भी कट करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, और ये इजीली भी अच्छे से वॉश हो जाएगा। और एक मैंने ये बॉक्स मंगवाए हैं, तीन का सेट है ये, और ये कपड़े रखने के लिए मैंने मंगवाए हैं, खास करके रिशु की वार्डरोब के लिए। तो ब्लू कलर का इसका प्रिंट है और काफ़ी बड़ी साइज़ है इसकी भी। और एक मैंने मंगवाई है किचन ट्रॉली, इसमें चार अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं जिसके अंदर आप ढेर सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रख सकते हैं। और इसका कलर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। वैसे कलर ऑप्शन दो ही थे, ब्लैक एंड वाइट, और मुझे किचन के लिए चाहिए था, इसीलिए फिर मैंने ब्लैक कलर में ही ऑर्डर किया। और आज तनु के कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी, तो बस वो अभी रेडी हो रही है, उसके बाद फिर मैं और ऋषु दोनों उसको जाएंगे कॉलेज छोड़ने के लिए। और तनु यहाँ पर अभी रेडी हो रही है, और ये वाला ड्रेस इसने पहना है जो हम लोग लोखंड वाला मार्केट से आए, हाँ लोखंड वाला से लिया, तो अच्छा लग रहा है पहनने पे, ज़्यादा अच्छा लग रहा है कोट से। तो पार्टी के लिए रेडी? हाँ बस थोड़ा आईलाइनर और लगाना है। हम लोग जाएंगे तनु को कॉलेज छोड़ने के लिए, और आगे का वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगी, तो चलिए अब इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।